नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे मास्टर सेलर्स चैनल में। और आज इस वीडियो में मैं आपको बेहतरीन से 5 सेल्फ डिफेंस टेक्निक्स बताऊंगा और लॉक्स भी बताऊंगा। इस वीडियो को एंड तक देखिएगा कि बहुत कुछ खास है आपके लिए। और अगर आप ऑनलाइन ट्रेनिंग करना चाहते हैं, बेहतरीन से बेहतरीन मार्शल आर्टिस्ट बनना चाहते हैं, डॉक्यूमेंटेशन के साथ साथ अपने लाइफ में सक्सेस होना चाहते हैं, तो इस नंबर के ऊपर आपको व्हाट्सएप कर देना है। केवल 500 मंथली फीस पे करके आप आसानी से घर पे ही ट्रेनिंग कर सकते हैं। दोस्तों, बीच बीच में इसमें लाइव सेशन भी होता है, जो कि जूम कॉल के ऊपर, मीटिंग कॉल के ऊपर आपको बुला करके वहाँ पर ट्रेनिंग करवाई जाती है। तो आप इसे ज्वाइन कर सकते हैं और बेहतरीन से बेहतरीन ट्रेनिंग कर सकते हैं। आज भी दोस्तों एक मीटिंग कॉल है, अगर आप लाइव वीडियो कॉल देखना चाहते हैं तो फटाक से ज्वाइन कर लीजिए और लगे हाथ दोस्तों ट्रेनिंग अपनी अच्छे से शुरू कर दीजिए। तो चलिए फटाफट शुरू करते हैं, लेट्स स्टार्ट। तो भाई, सपोज कर लीजिए कि कोई बंदा आता है और धड़ाक से आपको किक मारने की कोशिश करता हो, फ्रंट किक मार रहा हो या घुमाकर साइड किक मार रहा हो। इससे बचने का बहुत ही सिंपल सा तरीका है। सपोज कर लीजिए उस बंदे ने मेरे को किक मारा, तो पहले ही हमें यहाँ पे इसके थाई के ऊपर अटैक करना है। ये बंदा आया और हमें यहाँ से खींच करके इससे थाई के ऊपर किक मारनी है, दूर से हटा देने का टेक्निक है ये। मान लीजिए नहीं हो पाता, देन आप क्या करेंगे उसके लिए देखिए। बंदे ने किक किया यहाँ से, तो हमें इसे यहाँ से पकड़ने की कोशिश करनी है। बहुत ज़्यादा पावरफुल होगी किक तो आपके पीठ में हल्की सी चोट लगेगी। हल्की सी चोट इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि पसलियों में ज़्यादा चोट बैठेगी। पीठ पे इसको लेना है किक को, बंदे ने मारा और हमें इसे पीठ पे खा लेना है। पीठ पे खाएंगे तो उतना ज़्यादा डैमेज नहीं होगा। पकड़े और इसके निकाल दिया फेस के ऊपर पंच। उसके बाद दोस्तों मान लीजिए ऐसे इसने पंच मारा, तो हमें क्या करना है, एक हाथ ऊपर उठाते हुए ये यहाँ, ठीक है, और यहाँ से इसको यहाँ से फोल्ड कर देना है और इसे ऐसे पकड़ लेना है अंधे तक, और देन पतले ऊपर खींच करके पंच। वन मोर टाइम, ये मारा बंदे ने पंच, ये हमको बस इस तरीके से हाथ उठाना है, तुरंत इसको साथ में लपेट देना है और ये ट्विस्ट ट्विस्ट करेंगे, सीधा पंच खींच करके इसे पसलियों के ऊपर मारना है। आप फेस भी मार सकते हैं, फेस मारेंगे तो हो सकता है ब्लड निकल जाए, इसलिए पसलियों पर मारिए। तो दोस्तों इस तरह से सपोज कर लीजिए कि कोई बंदा इस तरीके से आपको पकड़ लेता है, तो उसके बालों को पकड़ना है यहाँ से और इसके इस पैर के ऊपर अंदर की तरफ मारना है, उठाना इसे और आगे इसको डाउन करना है। आप ऐसे किक भी मार सकते हैं और यहाँ से पंच भी मार सकते हैं। अब दोस्तों सपोज कर लीजिए कि कोई बंदा घुमा कर आपको पंच मारता है और आपको उसे अधिक से अधिक डैमेज करना है, तब क्या करेंगे, अरे ये सब और यहाँ से हम इसे यहाँ पटकेंगे और देन फेस के ऊपर पंच, और यहाँ से चाहें तो एक उंगली पकड़ कर इसे ट्विस्ट कर सकते हैं पीछे की तरफ, तुरंत बंदा आपके काबू में आ जाएगा। वन मोर टाइम, पंच मारता है यहाँ से ये, और हमने यहाँ पटका इसे और खींच करके फेस के ऊपर पंच, यहाँ से उंगली पकड़नी है, उसे ट्विस्ट कर देना है। सपोज कर लीजिए कोई बंदा यहाँ पर कॉलर पकड़ लेता है यहाँ से, इसके इस वाले हाथ को, यहाँ से इस वाले हाथ को पकड़ना है, इस हाथों मारना है और यहाँ से ट्विस्ट कर देना है। ट्विस्ट करेंगे और इसके एक अंगूठे पकड़ करके बाहर की तरफ निकाल देना है, इस तरीके से तुरंत बंदा लॉक हो जाएगा। वन मोर टाइम, ये बंदे ने कॉलर पकड़ लिया, इस वाले हाथ को यहाँ से पकड़ना है, इसको नहीं, इस वाले को, इसके एल्बो भी नीचे से मारते हुए उठाना है पावरफुल और बाहर की तरफ लपेट देना है, लपेटना है और इसकी कोई एक उंगली पकड़िए और कस के फोल्ड कर दीजिए। बहुत ही सिंपल तरीके से आपके लॉक में आ जाएगा ये। तो दोस्तों सपोज कर लीजिए पीछे से आके कोई नेक चोक लगाता, देन ये इस तरीके से नेक चोक लगा दिया, ठीक है, टाइट किया जा रहा है, आपको गिराया नहीं, आप हवे में ही, तुरंत इसके बाल को यहाँ से पकड़ने को आगे ले आइए इस तरीके से, ठीक है, इसे कान में पकड़िए और पूरे शरीर को आगे की तरफ घुमा दीजिए इस तरीके से, ठीक है, घुमाएंगे और देन पंच। देखिए इस तरीके से नेक चोक लगा चुका है, आप हाथ हटाएंगे, पकड़ेंगे, मारेंगे, टाइम लगेगा, हो सकता है और कस के दबा भी दे इसे। मान लीजिए दबाता जा रहा है, दोस्तों यहाँ से आपको इसे बाल पकड़ना है, बाल पकड़ के आगे लाना है, ठीक है, फिर इसके कान को पकड़ना है, दोनों कान पकड़ लीजिए और ट्विस्ट कर दीजिए आगे की तरफ, तुरंत बंदा छोड़ करके हट जाएगा। पकड़े और आप यहाँ से एल्बो भी मार सकते हैं, पंच भी मार सकते हैं, दोनों ही मूव कर सकते हैं। तो दोस्तों कैसी लगी आपको वीडियो, अच्छी लगी हो तो लाइक करना मत भूलिएगा, चैनल सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को हिट कर लीजिएगा। तो बस दोस्तों आज के लिए इतना ही था, थैंक यू फॉर वॉचिंग, जय हिंद, वंदे मातरम।